धरती को स्वर्ग बनाएंगे, धरती को स्वच्छ बनाएंगे, भारत को स्वस्थ बनाएंगे। धरती माँ, धरती माँ, धरती माँ, ओ धरती माँ, ओ धरती माँ। तो सुना आपने, ये इनका प्रण है कि गंदगी ये नहीं फैलने देंगी। जी हाँ, और इसी सोच के साथ उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से दिल्ली आए बीएस बिष्ट भी एक अनूठे काम में जुटे हैं। जरा इन चीजों को देखिए, है ना खूबसूरत। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये कूड़े करकट से बनाई गई हैं। धरती माँ ट्रस्ट के नाम से बीएस बिष्ट ने दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद में ये काम शुरू किया और आज ये ट्रस्ट एक अदद मुकाम पर पहुंच गया है। ये खूबसूरत फूल, ये बैग्स, फ्लावर पॉट्स, ये सारी चीजें किसी कीमती फैब्रिक से नहीं बल्कि वेस्ट मटेरियल से बनाई गई हैं। रंग बिरंगे फूल बने हैं प्लास्टिक की बोतलों से। तो ये बैग्स बने हैं प्लास्टिक बैग से। ये आकर्षक फ्लावर पॉट्स भी वेस्ट लकड़ी से बने हैं। इतना ही नहीं, ये खूबसूरत चप्पलें भी पॉलिथिन बैग से बनाई गई हैं। इस खास काम में बीएस बिष्ट का साथ उनकी पत्नी रेती आई हैं। अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ जितनी लेडीजें हैं घर में आए अपना सीखें, कुछ धोती धोती बनना है, चप्पल बनाना जो भी है उसको बनाएं साथ में मिलके, सहयोग से हर कुछ होता है। आगे भी देखें काम आगे चलते रहे, मैं गुरु महाराज की कृपा से अपना चलते रहेंगे काम। जहां घरों को ग्रीन और आकर्षक बनाने के लिए प्लास्टिक बोतल से हैंगिंग गमले बनाए हैं, तो वहीं लुप्त हो रही गौरैया के लिए स्पैरो हाउस भी बनाए गए हैं। वेस्ट वुड से बने इस खूबसूरत घर को पाकर गौरैया भी काफी खुश नजर आ रही हैं। वेस्ट मटेरियल से बनी ये कृतियां बाजार में भी काफी डिमांड में है। इतना ही नहीं, इस कला को दूसरों तक भी पहुँचाया जा रहा है। आज कई लोग इनसे ये कला सीख कर स्वावलंबी भी बन गए हैं। उनमें ये लड़कियां भी शामिल हैं जो वेस्ट मटेरियल से खूबसूरत सामान बनाने का गुर सीख रही हैं। तो देखा आपने, अगर कोई चाहे तो कूड़े को भी खूबसूरत शक्ल दी जा सकती है। वेस्ट मैनेजमेंट आज पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर इन वेस्ट प्रोडक्ट्स का हम खूबसूरती से इस्तेमाल करें तो ये हमारे घरों को तो खूबसूरत बनाएंगे ही, साथ ही वेस्ट का भी मैनेजमेंट होगा। और इसी वेस्ट प्रोडक्ट्स को खूबसूरत बनाने का सपना लिए उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से बिष्ट दंपति दिल्ली आए थे और आज ये इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उनसे आपके घरों को भी खूबसूरत बना रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर एक बेहतरीन कल चाहिए, अगर एक सुखद कल चाहिए, तो आज के प्रोडक्ट्स को, आज के वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकिल और रीयूज करें। अगर आप आज रिसाइकिल्ड और रीयूज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो निश्चय ही आपका खूबसूरत कल होगा। कैमरामैन सदाशिव के साथ गीतिका वर्मा, जी मीडिया दिल्ली। और वेस्ट मटेरियल से खूबसूरत चीजें बनाने वाले बीएस बिष्ट से बातचीत की हमारे संवाददाता गीतिका वर्मा ने। क्या आपने कभी प्लास्टिक से चप्पल बनते देखा है? क्या आपने कभी प्लास्टिक के बॉटल को रीयूज होकर गमले बनते हुए देखा है? नहीं देखा है ना, तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इस वक्त एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे सारे वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज करके खूबसूरत चीजें बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक पॉलिथिन बैग से बने हुए ये फ्रेंडशिप बैंड है जिसको आप एज अ फ्रेंडशिप बैंड यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी ये खूबसूरत सा बैग जो आप देख रहे हैं, ये कोई आम बैग नहीं है क्योंकि ये भी बना है पॉलिथिन से। जी हाँ, गौर से देखिए, ये जो बारीक कढ़ाई की हुई है ये कढ़ाई नहीं है, एक्चुअली ये प्लास्टिक है जिसे माउल करके, जिसे हाथ से बना करके इसे इस बैग का शेप दिया गया है। और इतना ही नहीं, मैं आपको और दिखाऊं तो बहुत सारे खूबसूरत ब्यूटीफुल डेकोरेटिव सामान हैं जो कि प्लास्टिक से बने हैं। अब आप पूछेंगे ये क्या है? ये प्लास्टिक के बॉटल जो हमारे घर में होते हैं जिसमें हम पानी लेकर आते हैं बाजारों से, उसको आप काट करके उसको खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करके आप इसे घर में बना सकते हैं और ये स्पेशियस भी है, आप इसे कहीं भी अपने रूम में डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं। और एक बहुत ही इनोवेटिव चीज है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो ये फ्लावर है।
फ्लावर का फ्लावर और ये बहुत ही अच्छा रीयूज का सामान है। ये आप पूछेंगे क्या है तो मैं आपको दिखा दूं, ये खूबसूरत फ्लावर भी प्लास्टिक बॉटल से बना है। आप देख सकते हैं ये जो इसके पेटल्स हैं वो प्लास्टिक के बॉटल के हैं और बीच में जो इसका बड आपको दिख रहा है ये चाय पत्ती से बना है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये वही चाय पत्ती है जो हम चाय पीते हैं उसके बाद उसे वेस्ट में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ ये लोग इस वेस्ट चाय पत्ती को उठाते हैं, उसे सुखाते हैं और खूबसूरती से इसे फूलों के बीच में लगा करके एक खूबसूरत फूल बनाते हैं। और इसका बेस भी आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत बॉटल नेक है इसमें और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। और मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जिसको देख के शायद आप भी हैरान हो जाएं। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हम पॉलिथिन से स्लीपर्स बना सकते हैं, पॉलिथिन से हम खूबसूरत चप्पल बना सकते हैं जो कि आपके ड्रेस के साथ भी जेल करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे खूबसूरत चप्पल हैं जो मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये प्लास्टिक से बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो चप्पल है इसमें ये इसके बैंड्स पॉलिथिन बैग से बने हुए हैं। ये पिंक पॉलीबैग को गूद करके उसमें चप्पल बना करके और ये जो इसका बेस है ये वेस्ट मटेरियल लेकर आए हैं, ये उससे बना हुआ है। इसके अलावा मैं आपको उस शख्सियत से मिलाती हूँ जो जिन्होंने ये सारी चीजें बनाई है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। सबसे पहले तो आप बताइए कि कैसे ये इंस्पिरेशन मिला आपको इतना इनोवेटिव चीज करने। ये चीज मेरे आइडिया इस तरीके से आया, जैसे हमारे रोड में घूमने वाली जितनी गायें होती हैं इनको मैंने पन्नियों को खाते हुए देखा, तो और इस पन्नियों को खाते हुए मैंने एक गाय की मौत देखी थी जिसके पेट से 12 किलो पॉलिथीन निकली और मेरे जीवन में ऐसा लगा कि गाय को हम पूछते हैं, गाय को हम माँ कहते हैं, उसके बावजूद भी गाय हमारी इस तरीके से घूम रही आवार पॉलिथीन खा रही है। बहुत सारी चीजें बनाई हैं और हम बता कह सकते हैं कि अगर आपको खूबसूरत कल चाहिए तो आपको रीयूज सामान यूज करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट खबर है, कुछ अलग खबर है, कुछ अनोखी खबर है एक खूबसूरत कल के लिए। कैमरामैन सदाशिव के साथ गीतिका वर्मा, जी मीडिया दिल्ली।